अकोला 24 न्यूज में मैं निहा शेख का स्वागत करती हूँ। किसानों की फसल बीमा संबंधित समस्याओं को प्रशासन जल्द से जल्द हल करे, विधायक सावरकर ने प्रशासन से मांग की है। अकोला मूंग उड़द फसल बीमा 6000 किसानों के पैसे तुरंत उनके खाते में जमा हो और किसानों को बैंक से परेशानी हो रही है, इस संदर्भ में विधायक रणधीर सावरकर द्वारा निवासी उप जिलाधिकारी संजय खटसे व विभाग के अधिकारियों और बैंकों और विभिन्न कृषि विभागों के अधिकारियों की बैठक जिलाधिकारी कार्यालय में निवासी जिला अधिकारी के कक्ष में बुलाई गयी थी, जिसमे विधायक सावरकर के निर्देश अनुसार प्राध्यापक संजय खटसे द्वारा अपने कार्यालय में बैठक बुलाई गई थी। इस वक्त राजस्व विभाग को किसानों को ऋण दिलाने में फसल बीमा कंपनी की समस्या का संज्ञान लेना चाहिए, ऐसा कहते हुए सावरकर ने कहा कि कृषि विभाग को भी संयुक्त रूप से काम करने का निर्देश दिया जाए और अकोला नगर निगम प्रशासन को भी इस संबंध में संज्ञान लेकर निर्देश देना चाहिए। विधायक सावरकर ने यह भी कहा कि किसानों को न्याय नहीं दिया गया तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। विधायक सावरकर ने इनकी सूचनाओं का पालन करने के निर्देश निवासी उप जिलाधिकारी द्वारा फसल बीमा कंपनी, नेशनल बैंक तथा कृषि विभाग को दिए। इस वक्त नेशनल बैंक के अधिकारी नयन सिन्हा, संध्या करवाड़, रूपाली महगजे, शुभम हरने, धीरज लांडगे, सुनील भालेराव अधिकारी उपस्थित थे, जबकि विधायक सावरकर के साथ श्री कृष्ण बोरखाड़े, गणेश ताड़े, प्रवीण हकवाने, प्रवीण डिक्कर, सचिन देशमुख, माधव मानकर, राजेश बेले, डॉक्टर शंकर राव वाकोड़े, अमोल साबले, गिरीश जोशी, मधुकर पाटकर, योगेश डोरे, संदीप बुगले, राजू नागमाते, अंबादास उमाले, विवेक भरने, रमेश अप्पा, संजय जीरापुरे, राजू काकड़, भूषण कोकाटे, गजानन उंबारकर, अशोक गावंडे, राजेश रावणकर, मंगेश लोनकर, दत्ता पाटिल आदि उपस्थित थे।